गढ़चिरौली जिले के सूरजागढ़ लोह अयस्क खदान परियोजना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण कानूनों को ताक पर रखने के कारण परिसर के लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। दरअसल इस खदान से निकलने वाले लाल मिट्टी के कणों और हवा में उड़ने वाले सूखे लोहे के पत्थर के कणों के कारण खतरनाक वायु प्रदूषण हो रहा है। यही नहीं, गोदावरी नदी भी प्रदूषित हो गई है। खतरनाक रसायनों के कारण मनुष्य, जलचर, जंगली जानवर और पालतू जानवरों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरा बढ़ता जा रहा है। अनेक बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। कैंसर जैसी कई बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। अधिकारियों को जैसे कोई परवाह नहीं, बार बार पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण लोग हलाकन हैं, लेकिन अधिकारियों को जैसे कोई परवाह ही नहीं है। क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुंबई से इसकी शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर्यावरण कानून के तहत कोई उपाय योजना नहीं है। लोह अयस्क खदानों से लोह अयस्क की ओवर बर्डन हैंडलिंग हवा में उड़ने वाले कणों के कारण खतरनाक वायु प्रदूषण का कारण बन रही है, जहां पर्यावरण कानूनों के तहत कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि सूरजागढ़ लोह अयस्क संयंत्र केलजर और राजूरा रेलवे साइडिंग पर लोह अयस्क का प्रबंधन करता है। खदान से लोह अयस्क और ओवरलोड ट्रकों में ले जाया जाता है, जिससे हवा में उड़ने वाले कणों के कारण खतरनाक वायु प्रदूषण होता है। पोम्बुरना, केलजर, कोटारी, बामनी गांव की सड़कें और आसपास के क्षेत्र लोह अयस्क के कारण खतरनाक वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। खदानों से अधिक उत्पादन का लालच कभी समृद्ध प्रकृति को प्रदूषण की खाई में धकेल रहा है। लोगों का कहना है कि भविष्य में हमारे लिए गांव छोड़ने का ही विकल्प बचेगा। चुप रहने को लेकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इन नागरिकों में गुस्सा है। उनका सवाल है कि प्रशासन केवल कंपनी के बारे में सोचेगा या हमें भी बचाएगा? हमारे फसल के ऊपर मार भी हो रहा है, हमारा बच्चा को ऊपर का पिसार भी हो रहा है, बच्चा का जीवन पे थोड़ा सा कमजोरी भी हो रहा है अपना। कभी आते भी नहीं और पूछता भी नहीं और कुछ जानकारी लेते भी नहीं अपना। आरोग्य कैंप तो नहीं है, लेकिन क्या यहाँ दवाखाना खुला है, हड्डी में दवाखाना खुला है। वो हड्डी में दवाखाना पे नहीं, क्या ट्रीटमेंट होता करके वो लोग अपना सब वहाँ पे जाते। अब डांस खाते खाते जैसा खदान पे होता है तो हमारे भी ऐसे धूल कितना दिन खाएंगे अपना। बता दें कि बल्लारपुर गोंड पिपरी तालुका में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूरजागढ़ से दिन रात भारी यातायात हो रही है। कोठारी, आमड़ी, येनबोड़ी, कलमना, लावरी, बामनी, अक्सापुर, जोगापुर, करंजी, धानापुर, विहिरगांव, गोंड पिपरी, विठलवाड़ा, झरन, गोंड पिपरी आदि कई गाँव में सड़कों पर लाल धूल जमा होने से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। सरकार से स्थानीय आदिवासियों से वादा किया था कि खनन शुरू से इलाके में औद्योगिक विकास होगा, इससे आदिवासी परिवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां सृजित होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी, लेकिन हो रहा इसके उल्टा। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना स्थानीय परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि बड़े कारोबार के लिए आसान रास्ता बनाने के लिए करना चाहती है। ध्यान रहे, सूरजागढ़ महाराष्ट्र की उस महत्वपूर्ण पट्टी पर है जिसमें राज्य का 60% खनिज है। इस इलाके में कोयला, चुना पत्थर, लोह अयस्क और मैग्नीज सहित 17 तरह के खनिजों का 575.3 करोड़ टन अनुमानित संचित भंडार है, जो भारत के कुल संचित खनिज भंडार का 22.56% है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए तंशिल पठान, चंद्रपुर।